तो सुबह सुबह जी के लिए एक बेहतरीन खबर निकल के आई है। जी ने अनाउंस किया है कि हम सोनी इंडिया के साथ मर्ज होने वाले हैं, क्योंकि इसका स्टॉक पे अच्छा खासा इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 50 रुपये की तेजी है। एक बार के लिए स्टॉक अभी 25% तक तेज चला गया था, 320 रुपये तक स्टॉक हाई बना चुका है और अभी फिलहाल 305 रुपये के आसपास चल रहा है दोस्तों स्टॉक। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जी जो सोनी इंडिया के साथ मर्ज होगा उसमें क्या चीज़ें होंगी, कैसे एग्रीमेंट बने हैं और क्या क्या आपको पता होने चाहिए अगर आप शेयर ऑन करते हैं जी के या बाय करने की सोच रहे हैं। दोस्तों जी ने जो अपनी PDF फाइल सबमिट करी है एक्सचेंजेस को, हम डायरेक्टली उस पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि जी ने क्या क्या बताया मर्जर के बारे में। तो दोस्तों ये है फाइल जिसमें जी ने सबमिट करी है एक्सचेंजेस को, जिसमें जी ने जो भी मर्जर के बारे में न्यूज़ है वो सब बताई है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो पहली चीज़ बताई है जी के बोर्ड ने, उसमें यह है कि जी की बोर्ड की तरफ से इसको अप्रूवल मिल गया है इस मर्जर को, उन्होंने सारी चीज़ें देख ली है। अब यहाँ से उनकी तरफ से अप्रूवल आने के बाद अब यहाँ से आगे के जो काम है जी, जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उन सब का जो रिज़ल्ट है उन सब की परमिशन लेने के बाद और अपनी तरफ से एक बार देखने के बाद कि कैसी चीज़ें कैसे करना है सब कुछ, वो सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ से मर्जर आगे बढ़ेगा दोस्तों। जो दूसरी चीज़ बताई है जी ने वो ये है कि दोस्तों जो मर्ज होने के बाद नई कंपनी बनेगी उसमें जी के पास करीब 61.25% स्टेक होगा दोस्तों। यानी जो भी जी के अभी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी स्टॉक कामकाज कर रहा है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा जो नई कंपनी बनेगी जी और सोनी के मर्ज होने के बाद उसमें 61.25% स्टेक होगा। अब क्योंकि इसमें बताया है जी ने कि जो सोनी है जब वो कंपनी मर्ज हो जाएगी तो उसमें सोनी $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा दोस्तों। अगर हम ये रकम इंडियन रुपीस में देखें दोस्तों तो ये रकम करीब हो जाती है 11-12 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास। जब ये पैसा इन्वेस्ट करेगी तो इसके बाद जी का जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अफेक्टिव हिस्सा जो नई कंपनी में होगा वो होगा करीब 47.07% दोस्तों, और जो बाकी का हिस्सा होगा वो ओन करेगा सोनी। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये चीज़, सोनी करेगा 52.93% ओन नई कंपनी में जब वो पैसा डाल देगा वो, और जो जी ओन करेगा दोस्तों वो रहेगा, वो आपका रहेगा 47.07% दोस्तों। अगली चीज़ जो जी ने अपनी इस PDF फाइल में कही है जो एक्सचेंजेस को सबमिट हुई है दोस्तों, उसमें ये कहा है जी ने कि अभी 90 डेज का पीरियड है जिसके अंदर हम अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो भी एग्रीमेंट्स है उनको फाइनल करने का टाइम 90 डेज लिया गया है। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ बताई गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि जो नई मर्ज एंटिटी होगी वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होगी, यानी कि जैसा भी जी के शेयर्स काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे वैसे ही नई कंपनी के भी शेयर्स एक्सचेंजेस पे काम करेंगे, लिस्टेड होंगे और आप सब उस पर काम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब जी सोनी के साथ मर्ज हो जाएगी तो हमारे शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे या हमें शेयर्स नहीं मिलेंगे या हम कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी नई कंपनी होगी उसमें आप सबको शेयर्स मिलेंगे और आप उसमें आसानी से काम कर पाएंगे दोस्तों। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो जैसा भी जी काम करता है वैसी ही नई कंपनी भी काम करेगी, वैसी ही नई कंपनी भी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होगी दोस्तों। तो जो लोग अभी जी के शेयर ओन करते हैं तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है, उनके शेयर्स को कुछ नहीं होगा, उनको नई कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे जो भी नई कंपनी लिस्टेड होगी एक्सचेंजेस पे। अब दोस्तों जो अगली चीज़ कही है इस PDF फाइल में पुनीत गोयनका, जो कि अभी जी के MD है दोस्तों, वो नई कंपनी के भी MD और CEO बने रहेंगे। और एक चीज़ ये होगी कि जो प्रमोटर फैमिली है जी की, जो प्रमोटर्स हैं उनके पास राइट होगा कि वो अपना जो 4% स्टेक होगा नई कंपनी में उसको बढ़ा के 20% तक ले जा सकते हैं अपनी मर्जी से दोस्तों, इसमें ये डिस्क्लोजर ये रहेगा क्लॉज। और जो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे अदर, एक तो आपके MD और CEO पुनीत गोयनका होगा और जो बाकी के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनमें से मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोनी प्रमोट करेगा, सोनी नॉमिनेट करेगा दोस्तों बोर्ड पे।
कुछ दिन पहले जी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इश्यूज रेज किए थे कि जो बोर्ड है अभी जी का वो अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो अब क्योंकि जो नया बोर्ड होगा नए कंपनी का, जिसमें जो जी और सोनी के मर्ज होने के बाद बनेगी, उसमें जो भी मोस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो सोनी के थ्रू नॉमिनेट किए जाएंगे। तो जो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज थे दोस्तों, वो उम्मीद है कि वो रिजॉल्व होंगे। इसमें जो लास्ट चीज़ कही गई है दोस्तों, वो ये है कि जी ने कहा है कि अभी जो फाइनल ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों, अब वो जो भी रेगुलेटरी है, जो भी थर्ड पार्टी अप्रूवल्स लेने के बाद होगा, और फिर जो जी के शेयर होल्डर्स हैं उनका भी अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि जो कि जी के शेयर होल्डर्स हैं अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो मर्जर हो ही नहीं पाएगा। तो इन सब जब ये फाइनल ट्रांजेक्शन होगा वो इन सब के अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। इन सब को अप्रूवल होने के बाद ही अब फाइनल जो ट्रांजेक्शन है, फाइनल मर्जर वो होगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले 90 डेज़ का, जैसे मैंने बताया, 90 डेज़ का टाइम है जिसमें जी जो भी फाइनल एग्रीमेंट बनाने हैं वो सब तैयार करेगा, जो कि फिर अप्रूवल के लिए डाले जाएंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी जो कि PDF फाइल जो सबमिट करी है जी ने एक्सचेंजेस को, उसमें बातें सब बताई हैं। ये सब बातें हैं फिलहाल जो अब आई है निकल के बाज़ार में। कुल मिला के देखे दोस्तों तो ये चीज़ जो मर्जर है ये पॉजिटिव रहेगा जी के शेयर होल्डर्स के लिए। इसमें जो तीन मेन चीज़ें हैं, जो तीन पॉजिटिव चीज़ें हैं मेन, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जो पहली चीज़ रहेगी पॉजिटिव वो ये है कि जो नया मैनेज, जो नया बोर्ड होगा, जो जी और सोनी के मर्ज कंपनी होगी, उसमें जो नया बोर्ड होगा दोस्तों, उसमें जो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स होंगे वो सोनी के थ्रू प्रमोट होंगे। सोनी ही उनको नॉमिनेट करेगी, और जो नई कंपनी होगी उसमें को प्रमोटर सोनी होगा। तो जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं जी के अभी, वो हो सकता है कि रिजॉल्व हो जाए नई कंपनी में दोस्तों। जो दोस्तों दूसरी चीज़ पॉजिटिव रहेगी वो है कि नई कंपनी जो बनेगी उसमें सोनी करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए डालने वाली है, जिसके थ्रू जो नई कंपनी होगी उसको मदद मिलेगी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में और उसका फ़ायदा उठाने में, उनमें कंपनी को एक्सपेंड करने की कोशिश करने में मदद मिलेगी दोस्तों नई कंपनी को। जब कंपनी के पास 11-12 हज़ार करोड़ रुपये का नया पैसा होगा जिसे वो यूज़ कर पाएगी आसानी से दोस्तों। दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जी और जब सोनी मर्ज होगी तो एक बड़ी कंपनी बनेगी जो कि बेहतर काम कर पाएंगी, क्योंकि दोनों ही कंपनियां अपने जो कि फीचर्स है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो साथ में लाएंगे और नई कंपनी में काम करेंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव है, और ये सब चीज़ें जो कि अपडेट निकल के आए हैं, जो कि जी ने अपनी PDF फाइल सबमिट करी है एक्सचेंजेस को, जिसमें उसने सारी बातें बताई है मर्जर के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।